अहमद साहब, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन माल की फुल डिलीवरी नहीं आई आपकी फैक्ट्री से। प्लीज अपने मैनेजर और फैक्ट्री से पता करवाएं कि डिले क्यों आ रहा है। जी, पता करवाएं और कॉल बैक करें मुझे। थैंक यू। तेरे गाल क्यों कश्मीरी सेब बने हुए हैं? चक्के काट लूं? सुसाइड कर लूंगा यार मैं। फिर तो ठीक ही कह रही थी मीनू रात में। मोहब्बत में नाकामी की वजह से उसकी सहेली के मोहल्ले में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। यार जैसी मीनू पागल है ना, वैसी उसकी सहेली और उसकी सहेली के मोहल्ले के लड़के। अरे तू छोड़ ना मीनू पागल को, तू अपना बता, हैं? उछल क्यों रहा है? यार वो मिर्ची ने स्टेटस अपडेट कर दिया है कि मेरी मंगनी टूट गई है। तो ये तो बड़ा अच्छा किया मिर्ची ने। नहीं भाई, सब लोगों को पता होना चाहिए ना कि वैकेंसी के लिए दोबारा इंटरव्यू होंगे। तेरी अपनी बात पक्की होगी ना, इसीलिए तो अभी मस्तियां कर रहा है। देख हादी, मेरी दफा ना कमजोरी का मुजाहरा ना कर। तेरी दफा तो जो पता ना मैंने क्या किया था, देगों के ऑर्डर में 25% का डिस्काउंट दिलवाया था किफायत चाचा को, और दिल से मुबारकबाद भी दी थी। पता नहीं कौन से दिल से मुबारकबाद दी थी, जो मंगनी सिरे ही नहीं चढ़ी। ऊपर से मुझे तो लगता है उस देगों वाली की ना आ लगी है मुझे। बेटा तू ऐसा कर, तू उठ और चल मेरे साथ ऑफिस की छत पर। क्यों? ताकि तेरी खुदकुशी की लाइव वीडियो बनाकर ना अपलोड कर दूं बेबे के प्रोफाइल में। बेशरम इंसान, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपसेट हूं यार। अच्छा चल छोड़ ना। ओ हानिया की कॉल। अच्छा मुझे बताए बगैर ये गेम डाली नहीं तूने? तू कसम ले ले, पहली दफा मैसेज करके बोला कि बात करनी है। अल्लाह की कसम पहली मर्तबा कॉल करी है। हाँ तू बैठ, चाय मंगा। लड़की क्या होती ही पता है। सरकार सरकार सरकार, ये देखिए आपका ड्रेस, मैंने कितना अच्छा इस्त्री किया है, देखते ही आप अशश कर उठेंगी। पिछली दफा जो गश पड़ा था ना अपनी जली हुई कमीज देखकर, वो नहीं भूला अभी तक मुझे। कम ऑन डार्लिंग, तुम्हें कहा था मस्जिद में नमाज पढ़ के आओ। बुआ मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया तो था, बल्कि मस्जिद के दरवाजे पे मुझे हादी भी मिला था, बेचारे ने कंधे अपने ढीले छोड़े हुए। गुब्बारे में से हवा जो निकल गई। हाँ, और सारी हवा गुब्बारे से निकल कर तेरे दिमाग में चली गई। दे दिया फाजी का नंबर हानिया को। क्या हो गया अम्मा, किसने कहा आपको? लंच पर लेकर जा रहा है, मिसेज अमजद बता रही थी। लंच पर? लेकिन मैंने तो सिर्फ फोन पर बात करने की इजाजत दी है उसे। ओ मिस्कीन, समझा ऐसा कल की अंधी को। बुआ मैं आज तक अपने आप को कुछ नहीं समझा सका, मैं बेचारा किसी को क्या समझाऊंगा। अपनी चोंच बंद करो। घर दबी चुंदा वटा। अम्मा आप मुझे टेंशन क्यों दिलवा रही हैं? बोला भला सा है मेरा मिठल, कब कर लिया तो। गुल की नाक के नीचे कोई फजूल गुल नहीं खिला सकता। हाँ है? तुम कहाँ जा रही हो इतना सद सवर कर? वो किश्वर चची की तबीयत खराब है, उन्होंने बुलाया है मुझे। तुम तो जैसे डॉक्टर हो। खैर जाओ, कोई खबर ही मिल जाएगी अंदर की है। उनके अंदर की खबर रखने के बजाय अपने भाई पे नजर रख, वैसे तो मिनट मिनट का हिसाब रखती है मिंटो। अम्मा आपने मुझे भी टेंशन में डाल दिया है, लग रहा है मैंने कोई बेवकूफी कर दी। टेंशन हो ही ना जाए कहीं तुझे मिंटो। आपा तेरी कमीज जला दी तूने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए